नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर सुमन कुमार अपना लाइव न्यूज चैनल से फिर से सुबह सुबह आपके लिए खबर लेकर आज की कुछ खास बातें। आज का मुद्दा ये रहेगा, क्या किन शेयर्स में हमें रखना चाहिए, किस शेयर में नहीं रहना चाहिए इस इलेक्शन के माहौल में। देखिए, माहौल तो इलेक्शन का है, लेकिन ऐसा इलेक्शन का माहौल आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। जिस तरह से बाजार में तेजी है, ऐसा कभी भी नहीं देखा गया। हमेशा डर बना रहता था, सरकार किसकी होगी। आज भी वही समस्या है, सरकार किसकी बनेगी ये कहना बड़ा मुश्किल काम होता है। कैसे आप निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि सरकार किसकी बनेगी आप फैसला ले सकते हैं, जब तक कि कोई आउटपुट ना आए। तो सबसे पहले बात ध्यान रखें, सरकार मोदी जी की आने के अनुमान में ये तेजी बरकरार है, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से अगर वो जीत गए तब तो ये बाज़ार और तेज़ी होने की उम्मीद है। लेकिन ऐसा थोड़े ही है कि अगर राहुल जी आ जाएंगे तो बाज़ार में खराबी आ जाएगी। हाँ, ये देखकर एक स्थायी सरकार की सोच देख बाज़ार में तेज़ी चल रही है। और सच्चाई ये भी है कि मोदी जी का व्यू ज़्यादा पॉजिटिव है, उनके तरफ होने का उम्मीद है। तो अब इसको देखते हुए लोगों को जो तेज़ी मिल रही है, इसका फ़ायदा तो बाज़ार से लेना ही चाहिए, क्योंकि बाज़ार तो अपॉर्चुनिटी का चीज़ है। जहाँ मिल रहा है मौका आप कमाएं, इसी के लिए बाज़ार में लोग आते हैं। तो अब ऐसा देखना होगा कि क्या इस बाज़ार में किन स्टॉक में हम रहें और किन स्टॉक में ना रहें। स्टॉक स्पेसिफिक बोलने से पहले थोड़ी बातों को समझने की ज़रूरत होती है। जो कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड कंपनीज हैं, मान के चलते हैं, कुछ नाम लेना तो उचित है क्या, ये इसे देखना पड़ेगा। मार्केट जो व्यू हवा से उड़ती है, कहने का सेंस है, हवा का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इम्पैक्ट पॉलिटिकल पड़ता है तो सबसे पहले कंपनी पर असर होते हैं। इनमें से रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप को भी बात अगर लें, उसी तरह बहुत से कंपनी है, जेपी ग्रुप, जो कि कुछ हवाओं के वजह से, एसोसिएटेड होने के वजह से बाज़ार में कस्टमर को धोखा दे बैठते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं स्टॉक स्पेसिफिक बोलना तो नहीं चाहूँगा, मेरे कहने का सेंस इतना ही है कि आप उन स्थिति में ये सावधानी ज़रूर बरतें कि जो स्टॉक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बढ़ता गिरता हो उस पर नज़र रखें और खेलें, लेकिन सावधानी से, देखते हुए क्या कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है। सिर्फ न्यूज बेस्ड पर आप काम ना करें, फंडामेंटल देखें, उस कंपनीज की क्या परफॉर्मेंस रही है, 10 साल 15 साल का व्यू चेक करें, क्या कंपनी के स्टेटस है, क्या स्थिति है बनी हुई, ये सारी चीज़ों को चेक करें। टेक्निकल भी देखें कि टेक्निकल चार्ट पे क्या इंडिकेट कर रहा है आखिरी कुछ सालों से। तो ये सारी चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है, इसे समझने के बाद ही आप शेयर्स में लगाएं। तो बाज़ार की तेज़ी को अगर आपको उससे फ़ायदा लेना है तो आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स पे नज़र रखनी होगी, और न्यूज बेस्ड नहीं। कहीं ऐसा हो कि आपने अंदाज़ा लगा लिया कि मोदी जी की सरकार आने वाली है, उनसे एसोसिएटेड चीज़ों को आपने पकड़ लिया, पता चला उनकी सरकार नहीं आई, मिलीजुल सरकार बन गई, तो क्या होगा, आपके लगाए हुए पैसे से भारी नुकसान हो सकता है। उसी तरह अगर आप दूसरे रूप में देखते हैं, राहुल गांधी जी के से जुड़े हुए कुछ कंपनीज़ के आसार अगर देखते हैं, उनके सरकार आने से इन्फ्लुएंस होने वाली कंपनियों पर नज़र डालते हैं, अगर उनकी आ गई तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हो जाएगी। तो ये तो है आपका लक की बात, आप यहाँ लक पे खेल सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल टेक्निकल उसका साथ नहीं देगा। तो आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो आपको हर चीज़ को देख के चलना होगा, क्योंकि पैसे आप लगा रहे हैं, आपके पैसे का सही यूज कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ कर रहे हैं आप, ये सब चीज़ों को देखते हुए आप न्यूज बेस्ड काम ना करके फंडामेंटल स्टॉक्स को देखें, बैलेंस शीट चेक करें, और बहुत से फैक्टर्स हैं उसे रीड करें तब लगाएं। सिर्फ सरकार इनकी बनेगी इस आधार पर सिलेक्शन करना कतई उचित नहीं है। सिर्फ कि ये सरकार आएगी तो हमारे शेयर्स में बातों बात बढ़ जाएगा, ये आधार नहीं होना चाहिए स्टॉक पिक का। हमेशा एक, क्योंकि आप उस कंपनी के ऑनर होने वाले हैं, तो ऑनर जब आप होते हैं तो आपको उसके परफॉर्मेंस को देखने की ज़रूरत है कि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आ रही है, प्रॉफिट हो रहा है तभी नहीं आपको पे आउट करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें, उसके मैनेजमेंट को चेक करें, और लंबे निवेश करने के इच्छुक हैं तो आप करें, क्योंकि हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी दोबारा ना आए सरकार बनने के बाद। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी, ऐसा भी हो सकता है कि आप सरकार बनने के बाद बुरी तरह टूट भी जाए, या सरकार दूसरी तरह की बन गई, तो ये असमंजस स्थिति है। इस असमंजस स्थिति में आपका सबसे पहला
ध्यान होना चाहिए। न्यूज बेस्ड काम ना करें, फंडामेंटल टेक्निकल को समझें, पढ़ें और तब उसे प्रैक्टिकल अप्रोच में लेते हुए स्टॉक पे काम करें। आपका सौदा बहुत मुनाफा दे सकता है तो बहुत नुकसान भी दे सकता है, जो कि आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए ठीक नहीं। तो एक प्लान वे में आप अपने निवेश को करें। थैंक यू दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर सुमन कुमार अपना लाइव न्यूज चैनल से आपके लिए। नमस्कार।